ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद इन दिनों कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। वजह ये कि सिंधिया और गुलाम नबी आजाद दोनों ने कांग्रेस की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी तरह से राहुल गांधी पर हल्ला बोल दिया। इसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस उठकर खड़ी हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश से लेकर कांग्रेसी प्रवक्ताओं की पूरी फौज ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। असल में सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बता दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्लास और तुम सब थर्ड क्लास वाली मानसिकता ही कांग्रेस का चेहरा और चरित्र है। राहुल गांधी एकदम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ कह डाला कि राहुल गांधी ही वह शख्स हैं जिसकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी। गुलाम नबी आजाद ने नेताओं की पूरी पलटन लेकर सूरत जाने की घटना को न्यायपालिका पर दबाव की सियासत करार दिया। इसके बाद अशोक गहलोत सामने आए, क्योंकि अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ सूरत की अदालत तक गए थे। अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी को निशाना बनाने पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि दोनों गांधी के खिलाफ इतने निचले स्तर की भाषा बोलेंगे। गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेता थक गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद भी लोगों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। इसलिए कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं को एक टास्क दिया गया है, जीवन भर जिस विचारधारा से लड़ने की कसम खाई थी आज उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ भाजपा नेताओं के कहने पर खड़े हो गए हैं। राहुल और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए सिंधिया ने आरोप लगाया था कि देश के खिलाफ काम करने वाले गद्दार को छोड़कर पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। उन्होंने मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि विपक्ष की पार्टी के नेता एक समुदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करें कि पूरा समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया कि हमारे सीमावर्ती इलाके में चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई की, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के खिलाफ काम करने की विचारधारा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मेरे जैसे बहुत लोगों द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने की वजह राहुल गांधी ही थे। सिंधिया को कभी राहुल गांधी के करीबी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने साल 2020 में कांग्रेस के नेतृत्व के मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी तरह गुलाम नबी आजाद ने बीते साल कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली के जिस एजुकेशन मॉडल को लेकर पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ने झूठ फैलाया, उसकी हवा तो एक न एक दिन निकलनी ही थी। नौवीं और ग्यारहवीं के परीक्षा के नतीजों ने इस हवा को निकाल कर रख दिया। पता चला कि करीब 90% बच्चे फेल हो गए। आनन फानन में शिक्षकों को बच्चों की कॉपियां फिर से लिखने और रिजल्ट को शानदार बनाने का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन इसका भांडा फूट गया तो नई नई शिक्षा मंत्री बनी आतिशी मार्लेना से लेकर शराब घोटाला मामले में तिहाड़ की हवा खा रहे कम पढ़े लिखे मनीष सिसोदिया तक बेचैन हो गए। बीजेपी ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया था कि जिस मनीष सिसोदिया के पास दर्जनों विभाग थे, उसके पास शिक्षा के नाम पर महज एक डिप्लोमा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर धावा बोला तो आतिशी मार्लेना ने बचाव में कहा, केवल दिल्ली की बात नहीं है बल्कि हर स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी सिस्टम में यही प्रक्रिया है। एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम के मार्क्स एक प्रक्रिया के तहत एक बार चेक किया जाता है। कहीं गलत मार्क्स तो अपलोड नहीं हो गए, कहीं प्रैक्टिकल के मार्क्स छूट तो नहीं गए, कहीं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स तो नहीं छूट गए। आतिशी ने कहा कि क्या बच्चों के मार्क्स को दोबारा चेक करना गलत है? यदि अपलोड करने में कोई गलती हो गई तो क्या उसे ठीक करना गलत है? क्या बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्जाम लेना गलत है? अगर ये सब चीजें गलत हैं तो फिर हम दोषी हैं। रीचेकिंग, कंपार्टमेंट, इंटरनल असेसमेंट में गलती, दोबारा मार्क्स की चेकिंग, ये सब तो होता ही है। लेकिन आतिशी मार्लेना ने ये नहीं बताया कि पिछले 8 सालों में ये सारी गड़बड़ एक साथ ही कैसे हो गई और 90% बच्चे कैसे फेल हो गए।
बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के खाली परीक्षा पत्रों में उत्तर लिखने के लिए शिक्षकों को बाध्य करने का आरोप लगाया और आरोपों की जांच की मांग की। दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के दिल्ली मॉडल के बारे में झूठी कहानी गढ़ी है। दिल्ली कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि सच्चाई ये है कि सरकारी स्कूल्स में शिक्षा का स्तर बुरी तरह से गिर गया है। केजरीवाल ने 9 साल पहले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह 500 नए स्कूल्स और 20 नए कॉलेजेस बनाएंगे, लेकिन वह उन्हें पूरा नहीं कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले 9 वर्षों में 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटन करने के बावजूद दिल्ली का विकास करने में विफल रहा। इससे पहले दिल्ली बीजेपी नेताओं का आरोप कि दिल्ली के स्कूल्स में 90% बच्चे फेल हुए हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि यदि उन्होंने आदेश पढ़ा होता तो उनको पता होता कि ये एक साधारण रीचेकिंग की प्रक्रिया है जो हर साल होती है। परीक्षा की प्रक्रिया में छात्रों के मार्क्स को कॉपी से रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, उसके बाद रजिस्टर से ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत सब जानते हैं, लेकिन इस सियासत से अलग पश्चिम बंगाल की तस्वीर कुछ और बयां करती है। एनआईए ने आतंकी गतिविधियों के 2 अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान मोराजुद्दीन अली खान और मीर मोहम्मद नरुज्जमा के रूप में हुई है। इन लोगों ने इतने अधिक विस्फोटक जमा कर लिए थे कि 2020 में हुए बेरूत धमाके की दहशत को ताजा कर दिया था। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ कोलकाता से एक टाटा सुमो कार सहित कई जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। इनमें 81,000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 1,625 किलोग्राम जिलेटिन की छड़ें शामिल हैं। कोलकाता में 81,000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स और 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिलने का सीधा मतलब था कि देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। इस विस्फोटक से यदि धमाका होता तो कोलकाता जैसा बड़ा शहर पूरी तरह से दहल जाता। यही नहीं, यदि किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में यह धमाका होता तो कई किलोमीटर तक तबाही का मंजर सामने आता, उसकी कल्पना करना भी भयावह है। इस मामले में अब तक कुल 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी जून 2022 में हुई थी, जिस टाटा सुमो कार में डेटोनेटर ले जाया जा रहा था उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सितंबर 2022 में मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया। इसके बाद एनआईए जनवरी 2023 में रिंटू शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद अब मुराजुद्दीन अली खान और मीर मोहम्मद नरुज्जमा की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों ने ही रिंटू शेख को विस्फोटक की सप्लाई की थी। 4 अगस्त 2020 की तारीख लेबनान के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन राजधानी बेरूत के पोर्ट इलाके में हुए धमाके से 10 किलोमीटर के दायरे में तबाही मच गई थी। इस भीषण दुर्घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में एक वेयर हाउस से धुआं निकलते हुए देखा गया। इसके बाद अचानक ही भयानक विस्फोट हुआ और इस धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गूंज करीब 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। इस धमाके को लेकर लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने कहा था, बेरूत के पोर्ट इलाके में स्थित एक वेयर हाउस में 2,750 टन 27,50,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित रूप से रखा हुआ था। इसी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से भीषण धमाका हुआ। इस धमाके को लेकर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह धमाका 3.3 की तीव्रता के भूकंप की तरह था। चूंकि ये धमाका पोर्ट इलाके यानी बंदरगाह क्षेत्र में हुआ था, यहाँ आमतौर पर लोगों की संख्या अधिक नहीं होती है, लेकिन यदि यह धमाका शहर के बीचों बीच हुआ होता तो मरने वालों और घायलों की संख्या कहीं अधिक होती। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी का मिशन साउथ जेट रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। केरल के पूर्व सीएम एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में उठा बवंडर थमा भी नहीं था कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम सीएम किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले से ही आंध्र प्रदेश में मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस के लिए ये खबर किसी भूचाल से कम नहीं। किरण रेड्डी ने कुछ दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र भेज दिया था। बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरण ने कहा कि कांग्रेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही और आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी राज्य दर राज्य टूट रही है। ये एक राज्य की बात नहीं, लगभग लगभग सभी राज्यों का यही हाल है। किरण ने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के मत को नहीं समझ पा रही है
कांग्रेस पार्टी न तो विश्लेषण कर रही है गलती क्या है और न ही वे सही करना चाहते हैं। वह यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूं और देश की जनता सहित बाकी सब गलत। इसी विचारधारा की वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और इसके लिए एक पुरानी कहावत है, मेरा राजा बहुत बुद्धिमान है, वह अपने आप नहीं सोचता और न ही किसी का सुझाव मानता है। आप सबको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब किरण कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसके पहले भी उन्होंने 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार के आंध्र प्रदेश को विभाजित करने और तेलंगाना को अलग करने के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। फैसले का विरोध इस कदर था कि उन्होंने इस्तीफा देने के तुरंत बाद अपनी खुद की पार्टी जय सम्यक आंध्र बनाई। लेकिन 2014 के चुनावों में पार्टी ठीक प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसके बाद के सालों में रेड्डी ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि आज उन्होंने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उनको राज्य इकाई में क्या भूमिका देती है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश के एक फैसले की वजह से उसकी राज्य इकाई को बहुत राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा था। उसके कई शीर्ष पार्टी नेताओं ने विरोध में प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उस एक फैसले का दुष्प्रभाव ऐसा है कि उसके बाद से हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस अब तक आंध्र प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले का मास्टरमाइंड बताकर जमानत देने से इनकार कर दिया, तो हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मुख्य कर्ता धर्ता कहकर जमानत नहीं दी। मतलब कि अरविंद केजरीवाल के आंख के इन दोनों तारों की कारगुजारियां भी अव्वल दर्जे की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले का कर्ता धर्ता बताया, मतलब कि क्या करना है कैसे करना है ये सब कुछ जैन के दिमाग की उपज थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 46 पन्नों के आदेश में कहा कि सत्येंद्र जैन या उनका परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनीज को नियंत्रित कर रहा था जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया। साथ ही कहा कि वे बाहर निकलने पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में कर सकते हैं। इसी आधार पर जैन की जमानत याचिका खारिज की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि पंकुल अग्रवाल की गवाही से ये जाहिर है कि मैसर्स जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर सत्येंद्र कुमार जैन का पूर्ण नियंत्रण है और इसी तरह राजेंद्र बंसल, जीवेंद्र मिश्रा, आशीष चौखानी और जेपी मोहता की गवाही से पता चलता है कि सत्येंद्र कुमार जैन इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचने वाले, फैसला करने वाले और अंजाम देने वाले थे। इसमें वैभव जैन और अंकुश जैन ने उनकी मदद की। आदेश में जैन के लिए कंसेप्चुलाइजर, विजुअलाइजर और एग्जीक्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हाई कोर्ट ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले का कर्ता धर्ता बताया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के साथ मामले के दो अन्य आरोपित वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। सत्येंद्र जैन ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि किसी तरह की संपत्ति पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से हुई आय पर नियंत्रण आवश्यक नहीं है। ऐसे आय को छिपाने या फिर काले धन को कानूनी रूप देने के लिए भी किया गया हो सकता है। सत्येंद्र जैन मई 2022 से तिहाड़ जेल में बंद हैं और इससे पहले निचली अदालत ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आय छिपाने की कोशिश की। निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। इसके बाद भी वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने जब गिरफ्तार किया था तब से वे जेल में ही बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी कोलकाता की एक कंपनी से जुड़ी हवाला लेन देन के मामले में हुई थी। ईडी ने अपनी जाँच में पाया कि कोलकाता की कंपनी के साथ उन्होंने अवैध रूप से 4,81,00,000 रुपए का लेन देन किया। इस मामले में ईडी उनकी 4,81,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नालंदा और सासाराम की हिंसा की लपटें अभी शांत भी नहीं हुई हैं, जख्म अभी ताजा है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताकर अपनी तरफ से काम खत्म कर दिया और फिर टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में जाने लगे। इतना तक तो ठीक था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल होने का न्योता बीजेपी के नेताओं को भी भेज दिया।
इस बात से नाराज बीजेपी ने नीतीश कुमार का निमंत्रण ठुकरा दिया और जमकर खड़ी खोटी सुनाई। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार हिंसा में जल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टी में हमें शामिल नहीं होना है। नीतीश ने चोर दरवाजे से आरजेडी को शासन में ला दिया। नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त पर इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा जब रामनवमी पर राज्य में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर है। बिहार के अलग अलग शहरों में रामनवमी के दिन आगजनी और हिंसा हुई थी। इसमें नालंदा जिले के बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, पत्थरबाजी और कई राउंड फायरिंग भी हुई थी। सासाराम में भी रामनवमी पर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। इससे पहले नीतीश कुमार पटना के फुलवा शरीफ में हुई एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी में लाल किले का पोस्टर लगा हुआ था। बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के बीच सीएम नीतीश के इफ्तार और इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधा था। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चले हैं, उनसे कुछ संभल नहीं रहा। रामनवमी पर दो जगह दंगों को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा था कि दोनों जगह पर कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ी फैलाई, इसलिए ऐसे हालात बने। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद ये सब खत्म हुआ। उन्होंने कहा था कि अमित शाह को सासाराम जाना था, इसलिए घटना करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस सुकेश चंद्र शेखर के आरोपों को अरविंद केजरीवाल बीजेपी की मनोहर कहानियां बताया करते थे, अब उसी सुकेश चंद्र शेखर ने अरविंद केजरीवाल को ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह कि अब अरविंद केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी इस पर चुप्पी साध कर बैठ गई है। मतलब साफ है कि या तो अरविंद केजरीवाल कोई जवाब देना नहीं चाहते या फिर सुकेश चंद्र शेखर के आरोपों में वाकई दम है, जिस वजह से खामोशी उनकी मजबूरी बन गई है। सुकेश चंद्र शेखर ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाकर भूचाल ला दिया। सुकेश चंद्र शेखर ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का साउथ ग्रुप और बीआरसी पार्टी के साथ नेक्सस है। सुकेश चंद्र शेखर ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी चैटिंग हुई थी। उसका दावा है कि उस चैटिंग में ये साफ देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने उसे 15 करोड़ रुपए टीआरएस कार्यालय पहुंचाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा उसका दावा है कि टीआरएस नेता द्वारा पैसों की पुष्टि किए जाने के बाद इस चैट में मौजूद है। उसका दावा है कि ये निर्देश केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिए थे। प्रेस विज्ञप्ति में सुकेश चंद्र शेखर ने कहा, ये चैट केजरीवाल और साउथ ग्रुप के बीच के नेक्सस की पुष्टि करता है। इस चैट में ये भी दिख रहा है कि कैसे टीआरएस के नेता 15 करोड़ रुपए की डिलीवरी को 15 किलोग्राम घी अपने सहयोगी अरुण पिल्लई को देने को कहते हैं, जो इन पैसों को अपने काले रंग की रेंज रोवर स्पोर्ट्स कार में रखता है। ये कार टीआरएस मुख्यालय में थी और उस पर एमएलसी का स्टिकर लगा हुआ है। सुकेश चंद्र शेखर ने यह दावा किया कि वो सभी के साथ नार्को पॉलीग्राफी या कोई भी अन्य टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। इसके बावजूद कानून तय करेगा कि मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सबूत दे रहा हूं। उसने कहा कि मैं हर एक बयान के लिए सबूत दे रहा हूं। 2015 से लेकर 23 तक अपने अंतिम खत में सुकेश ने कहा कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट के 700 पन्ने हैं। उसका आरोप है उसने साल 2020 में टीआरएस कार्यालय में 75 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। सुकेश की तरफ से जारी बयान में लिखा गया है कि केजरीवाल, मैं साल 2020 में हुए चैट के संबंध में एक ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं, जिसमें 15 करोड़ के लिए 15 किलोग्राम घी कोड वर्ड का इस्तेमाल आपके और सत्येंद्र जैन के द्वारा किया गया था, जो कि मेरे आदमी द्वारा डिलीवर किया गया। योर रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। योगी का बुलडोजर मुंबई में चला तो सियासत में खलबली मच गई। यूपी की तर्ज पर शिंदे सरकार ने राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। बीएमसी ने मुंबई के एक इलाके में उनके अवैध रूप से निर्मित फिल्म स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया।
एकनाथ शिंदे सरकार के आदेश के बाद बीएमसी ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। सूत्रों का कहना है कि आदि पुरुष और राम सेतु जैसी फिल्मों की शूटिंग भी इसी स्टूडियो में हुई थी और इसकी कीमत करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय को एक शिकायत दर्ज कराने के बाद ये दावा किया कि असलम शेख और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित स्टूडियो अवैध रूप से बनाया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय ने बीएमसी और जिला मजिस्ट्रेट को स्टूडियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। सुबह विध्वंस स्थल पर मौजूद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नो डेवलपमेंट जोन के तहत स्टूडियो बनाए गए थे। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल अवैध स्टूडियो के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने बीएमसी से सवाल किया कि अवैध निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया और इसकी जांच का आदेश दिया। किरीट सोमैया ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टूडियो को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। ये स्टूडियो उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। किरीट सोमैया ने कहा कि स्टूडियो का निर्माण करते हुए नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में बीएमसी के अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण का मुआयना किया था, जिसके बाद 3 बंगलों पर हथौड़ा भी चला था, लेकिन बाकी अवैध निर्माण पर आज कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे और असलम शेख जब मंत्री थे तो स्टूडियो के मालिकों ने इन दोनों मंत्रियों को कमीशन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।